राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों पर एक्शन के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी थी। दोनों बदमाशों को पहले सीकर लाया गया, इसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के SMS ट्रॉमा सेंटर में दोनों बदमाशों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, जहां फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आरोपियों को पकड़ने जब पुलिस पहुंची तो वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई, क्योंकि अपराधियों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पैर में गोली लगी दो आरोपियों की, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया। पहले सीकर ले जाया गया, वहां से उसे उन तमाम लोगों को SMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका इलाज यहां पर चल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा। शनिवार को सीकर में हुए राजू हत्याकांड में मृतक ताराचंद कड़वासरा के परिवार को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकर सर्व समाज ने प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मृतक ताराचंद परिवार को सरकारी नौकरी और मृतक की बेटी को MBBS की आरक्षित सीट पर दाखिले की मांग की गई है। आपको बता दें, सीकर में हुए राजू हत्याकांड में हत्यारों ने नागौर जिले के जायल तहसील के दोतीना गांव के ताराचंद कड़वासरा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। रविवार को सर्व समाज ने 2 घंटे जायल बाजार बंद रखा और तहसील परिसर के सामने धरना देकर आक्रोश जताया था। सर्व समाज के बैनर तले लोगों ने परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। राजस्थान सरकार से आर्थिक सहायता के तौर पर 5 करोड़ रुपए की राशि देने की मांग की गई। जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो वहाँ सीकर गया था और उसकी उस गुंडागर्दी और जो ये राजस्थान में गुंडागर्दी पनप रही है, उसी का ये नतीजा है कि उसकी हत्या हुई है। इसमें पूरी तरह सरकारी तंत्र और राजस्थान सरकार फेल हुई है और हमारी सरपंच संघ की तरफ से ये मांग है कि हमने जो ज्ञापन दिया वो संपूर्ण मांगे पूरी की जाए और ताराचंद जी को न्याय दिलाया जाए। हो सकता है इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही इसका समाधान नहीं है। इसके अंदर हमारी न्यायपालिका भी फेल हो रही है। जब तक अपराधियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। हत्या जो हुई है व्यक्ति की वो बहुत ही घोर निंदनीय है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार से जो काम हो रहे हैं वो बहुत ही गलत हो रहे हैं और सरकार तुरंत इस पर फैसला करें और गरीब परिवार की मदद करें। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।